हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है अवेक, जिसे डायरेक्ट किया है जोबी हरोल्ड ने। और बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में जो है 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है हर साल ऑपरेशन के टाइम 21 मिलियन लोगों को एनेस्थीसिया दिया जाता है। इनमें से सिर्फ 30,000 लोगों को ये सूट नहीं होता। ऑपरेशन के टाइम पर वो सो नहीं पाते और ये बहुत ही दर्दनाक होता है। इनके हाथ पैर पैरालाइज्ड होते हैं। ये दर्द महसूस करते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। इसके बाद हमें डॉक्टर जैक दिखाया जाता है। वो हमें बताता है जब आपकी मौत आनी हो तो आ ही जाती है, जिसके लिए हम कुछ कर ही नहीं पाते। मैंने बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन के टाइम खो दिया है, लेकिन आज पहली बार मैंने अपने फ्रेंड को खो दिया। उसके फ्रेंड का नाम क्ले होता है। वो कहता है क्ले जब आज सुबह उठा तो किसके बारे में सोच रहा होगा। उसे लगता है वो सैम के बारे में सोच रहा होगा। सैम क्ले की गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। क्ले अपनी गर्लफ्रेंड सैम के साथ रह रहा था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये दोनों अपनी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही सीरियस हैं। और अब क्ले को सारी चीज़ें अपनी मदर को बतानी थी। एक्चुअल में सैम क्ले की मदर के लिए काम करती है, तो इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। उसकी मदर को उनकी रिलेशनशिप गलत लग सकती है। वो आज उन्हें इसके बारे में बताने वाला था, तो इसलिए वो बहुत डर रहा था। सैम ने क्ले को काम पर छोड़ दिया। वो कहती है तुम एक हैप्पी लाइफ डिजर्व करते हो। क्ले कहता है आज मैं अपनी मॉम को बता ही दूंगा। क्ले की आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वो इसके लिए ज़रा डर रहा था। वो अपने डॉक्टर फ्रेंड जैक से बात करता है। ये डॉक्टर वही है जो हमें स्टोरी बता रहा था। वो जैक से कहता है मैं कभी भी अपने फादर की तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। जैक कहता है तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद क्ले जैक के साथ हॉस्पिटल में आया। जैक कहता है ऑपरेशन में बहुत सारे एरर हो सकते हैं। जनरली लोग डॉक्टर को ही ब्लेम करना पसंद करते हैं। क्ले का एक ऑपरेशन होने वाला था जिसकी प्रोसेस जैक उसे बता रहा था। एक्चुअल में क्ले का हार्ट बहुत ही वीक है, तो उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ने वाली है। वो अभी वेटिंग लिस्ट में है। जब उसे हार्ट मिल जाएगा तभी उसकी सर्जरी हो जाएगी। क्ले अपने फ्रेंड पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता है, तो इसी वजह से वो उसे ट्रांसप्लांट करवाने वाला था। जैक क्ले को समझाता है तुम्हारा ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना होगा तो अभी कर डालो। जिससे तुम प्यार करते हो उसे बता दो कि तुम उसे कितना प्यार करते हो, शायद इसके बाद तुम्हें कोई भी मौका ना मिले। जैक से मिलने के बाद क्ले अपनी मदर से मिलता है। उसका नाम लेलेथ होता है। आज उसके साथ बहुत ही बड़े सर्जन थे, उनका नाम डॉक्टर जोनाथन था। जोनाथन ने बड़े बड़े टीवी स्टार्स का भी ट्रांसप्लांट किया है। लेलेथ चाहती थी कि क्ले का ऑपरेशन डॉक्टर जोनाथन ही करें, लेकिन क्ले अपने फ्रेंड पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता है। इसके बाद हम देखते हैं रात में क्ले ने अपनी ऑफिस की पार्टी पर जैपनीज से बात की। वो उनसे कहता है मेरा हार्ट वीक है लेकिन मेरा दिमाग तेज है, मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा। उसका कॉन्फिडेंस और बात करने का तरीका देख कर ये कंपनी उसके साथ डील करने को रेडी थी। उसकी मदर उस पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड है। क्ले ने नोटिस किया था शायद लेलेथ जोनाथन को पसंद करती है, तो इसके बारे में वो उससे बात करता है। लेकिन लेलेथ कहती है तुम्हारे फादर के जाने के बाद मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। जब फादर की डेथ हुई थी तब क्ले बहुत ही छोटा था। तब लेलेथ पूछती है तुम अपने फादर के बारे में कुछ जानते हो। क्ले कहता है मुझे उनकी डेथ याद है, उनकी स्माइल याद है, उसे अपने फादर के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है उसके फादर बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे और वो उनकी जगह कभी नहीं ले सकता। यहीं पर हम देखते हैं सैम लेलेथ को उसके अपॉइंटमेंट के बारे में बताने के लिए आई थी। क्ले ने अभी तक अपनी मदर को कुछ भी नहीं बताया, इस वजह से सैम नाराज होकर वहाँ से जा रही थी। क्ले उसके पीछे पीछे आता है और उसे कहता है मेरे साथ चलो, और वो जाकर अपनी मदर को सब कुछ बता देता है। लेलेथ गुस्सा हो जाती है। वो कहती है सैम एक लायर है, मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। उसने क्ले को समझाने की कोशिश की लेकिन क्ले नहीं मान रहा था। लेलेथ कहती है तुम्हें उसे चुनना होगा या फिर मुझे। क्ले कहता है ऐसा अल्टीमेटम देना गलत है, और वो सैम के साथ चला जाता है। सैम को इस झगड़े की वजह से बुरा लगता है। क्ले कहता है ये कभी ना कभी तो होना ही था। वो सैम को मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। वो आज रात ही उससे शादी करना चाहता था। वो अपने फ्रेंड जैक को बुलाता है और जल्दी से जाकर ये शादी कर लेते हैं। आज ये दोनों बहुत खुश हैं, ये इंटीमेट होने वाले थे। तभी क्ले को मैसेज आता है क्ले की सर्जरी के लिए जिस हार्ट का वो वेट कर रहे थे फाइनली वो उन्हें मिल चुका है। ये जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जैक सारे डॉक्टर्स को क्ले से मिलवाता है। लेलेथ को भी नोटिफिकेशन आ गया था
तो वो भी वहाँ पर पहुँच गई थी। वो फिर से क्ले को समझाने की कोशिश करती है कि जोनाथन एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, तुम्हें उनसे ये ऑपरेशन करवाना चाहिए, लेकिन क्ले इस बात के लिए नहीं मानता। क्ले ऑपरेशन के लिए रेडी होता है। सैम कहती है जल्दी से वापस आ जाओ, हम हमारी न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। ये दोनों इसके लिए बहुत खुश थे। वेटिंग रूम में लिलित अब भी सैम से बात नहीं कर रही थी। वो वेंडिंग मशीन से कुछ निकालने की कोशिश करती है। तब सैम ने कहा, कभी कभी आपको ज़रा वेट करना पड़ता है, ये मशीन थोड़ा ख़राब है। इसके बाद हम देखते हैं सारे डॉक्टर ऑपरेशन के लिए रेडी होने लग गए। तभी वहाँ पर लैरी नाम का डॉक्टर आता है। आज रात वहाँ पर कोई और डॉक्टर आने वाला था, लेकिन उसकी जगह पर लैरी आ गया। इससे सब डॉक्टर डर गए। जैक सबसे कहता है सिर्फ खिलाड़ी चेंज हो गया है, प्लान अभी भी वही है, ये ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। जैक क्ले से कहता है अब मैं तुम्हें एनेस्थीसिया दूंगा, तुम सो जाओगे, कुछ भी कर नहीं पाओगे, इस नींद को तुम एंजॉय करना, तुम्हें कुछ भी फील नहीं होगा। एनेस्थीसिया देने के बाद क्ले को नींद आने लग जाती है। वो अपने सपने में सैम को देखने लग जाता है। अचानक से ऑपरेशन में जो भी हो रहा था ये सारी चीज़ें उसे फील होने लग गई, जैसे कि मूवी की शुरुआत में बताया गया था। कभी कभी एनेस्थीसिया काम नहीं करता, लोग पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाते हैं, पर सारी चीज़ें महसूस कर पाते हैं। अब क्ले ऑपरेशन की छोटी छोटी चीज़ें महसूस कर रहा था। वो चिल्लाकर जैक को बताने की कोशिश करता है कि वो सब कुछ फील कर रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। उसकी आंखें बंद थीं और सब वो लोगों को लग रहा था वो गहरी नींद में है। जैक अब उसे कट करना स्टार्ट करता है। उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। वो अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए सैम के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर वो रिलैक्स रहता है, लेकिन बाद में उसे अपने फादर की डेथ याद आने लगती है। उसे बहुत सारी रैंडम सी मेमोरी याद आती हैं। वो सैम से फर्स्ट टाइम कैसे मिला था ये भी उसे याद आता है। ये क्यूरियस थी तो वो उसके रूम में आ गई थी और उसकी सारी चीज़ें देख रही थी। क्ले ने उसे पकड़ लिया था और इस तरीके से उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। इनकी फर्स्ट डेट पर सैम क्ले को ब्रुकलिन लेकर गई थी। क्ले बहुत ही ज़्यादा अमीर है, लेकिन कभी भी उसने ब्रुकलिन को देखा नहीं था। इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं सैम और लिलित जब वेट कर रहे थे, तब सैम के पास एक डॉक्टर आता है। वो उससे पूछता है, क्या मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी देखा है? सैम उसे अपनी रिंग दिखाती है, तब वो वहाँ से चला जाता है। लिलित देखती है सैम ने दो रिंग पहनी। उसे पता चलता है कि सैम और क्ले ने आज रात ही शादी की थी। ये बात उसे अच्छी नहीं लगती। इतने में सैम का पर्स नीचे गिर जाता है। उसमें क्ले की सारी मेडिसिन रखी हुई थी। वो हमेशा क्ले का ख्याल रखती थी। ये लिलित ने देखा और उसे रियलाइज़ हुआ कि सैम भी क्ले से बहुत ही प्यार करती है, वो उसकी केयर करती है, तो वो अब ज़रा रिलैक्स थी। लिलित कहती है क्ले को अलग अलग एलर्जी है, सैम को इसके बारे में पता था। लिलित थोड़ा टेंशन में थी, इसलिए सैम उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हमें फिर से ऑपरेशन दिखाया जाता है। डॉक्टर लैरी ब्रेक पर चला जाता है तो सारे डॉक्टर मिलकर डिस्कस करने लगते हैं। इनमें से एक डॉक्टर पटनम कहता है, अब हमारे प्लान का क्या? लैरी हम पर नज़र रख रहा है। जैक कहता है लैरी ड्रंक है, उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब ब्रेक के टाइम भी वो ड्रिंक कर रहा होगा। इनका प्लान था क्ले को इस ऑपरेशन में मार डालेंगे और इसी प्लान को वो कंटिन्यू करने वाले थे। ये सारी बातें क्ले सुन रहा था। इससे वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। वो यहाँ से उठकर भागने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वो उठ गया, लेकिन वो देखता है वो वहीं बेड पर पड़ा हुआ था। उसी के माइंड में वो अलग अलग जगह पर घूम रहा है। लैरी जब बाहर आता है तब सैम उससे बात करती है। वो कहती है ऑपरेशन कैसा चल रहा है? लैरी कहता है सब कुछ ठीक है, लेकिन सैम नोटिस करती है लैरी ड्रंक है। वो उससे कहती है तुम यहाँ पर काम नहीं करते, यहाँ आखिर चल क्या रहा है? ये देखने के लिए सैम ऑपरेशन थिएटर में आ जाती है। सैम जैक से पूछती है लैरी यहाँ पर कैसे है, उसकी जगह पर तो कोई और आने वाला था। पटनम उसे कहते हैं लैरी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। इसका मतलब साफ है सैम भी उनके प्लान में शामिल थी। क्ले से उसकी मैरिज हो चुकी है और उसके मर जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसे ही मिलने वाली है, तो उसी ने सारा प्लान बनाया हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं जैक को रियलाइज्ड होता है क्ले के साथ ये जो भी कुछ कर रहा है ये बहुत ही गलत है। वो डर रहा था और अब वो ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं करने वाला था। सैम उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को भी कोई भी शक नहीं होगा, हमने जो स्टार्ट किया इसे फिनिश करते हैं। क्ले इन सारी चीज़ों को लेकर सोचने लग जाता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसे याद आता है कि जैक के ऑफिस में उसने सैम का फोटो देखा था। पहले सैम और जैक ये दोनों एक साथ ही काम करते थे। क्ले को फंसाने के लिए सैम ने अपना नाम चेंज कर लिया। सारी आइडेंटिटी चेंज करके वो लिलित के यहाँ पर काम करने लग गई थी। सैम जैक को समझा रही थी अब हमें पूरी लाइफ काम नहीं करना पड़ेगा, जल्दी से इस ऑपरेशन को हम ख़त्म करते हैं। ये सब सुनने के बाद क्ले को बहुत ही बुरा लगता है। वो अनकॉन्शियस था लेकिन फिर भी उसकी आंखों में आंसू आ गए।
जैक क्ले का हार्ट बदल देता है। इस हार्ट को बंद करने के लिए उसे एक इंजेक्शन इंजेक्ट करना था। ये जैक को करना सही नहीं लगता, वो डर रहा था, लेकिन सैम इंजेक्शन अपने हाथ में लेकर क्ले को दे देती है। क्ले की अपने प्यार के हाथों डेथ हो गई। सैम को उसके लिए कुछ भी फील नहीं होता। जब वापस ललित के पास आती तब वो कहती है ऑपरेशन थिएटर में सब कुछ ठीक है। ललित को लग रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अब तक डॉक्टर को आ जाना चाहिए था। सैम उसे कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्ले को कुछ भी नहीं होगा, उसके पास जीने के बहुत सारे रीज़न हैं। इसके बाद हमें फिर से क्ले का सबकॉन्शियस दिखाया जाता है और वो बहुत सैड था, उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्ले का सबकॉन्शियस घर पर आता है, अपनी डेथ का वेट करता है। लैरी जब वापस आता है तब जैक इस तरह से प्रिटेंड करता है कि जैक का हार्ट खराब था, इस वजह से उसकी डेथ हो गई। इसके बाद हम देखते हैं जैक जाकर ललित को बता देता है क्ले का हार्ट सही नहीं था, उसकी डेथ हो गई। ललित उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है, कहती है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। डॉक्टर लैरी ललित के पास आते हैं और कहते हैं हमें आपकी परमिशन चाहिए, क्ले को हमें बाईपास से निकालना है। ललित पूछती है इसका क्या मतलब है। लैरी ने कहा क्ले अब भी जिंदा है लेकिन उसके पास हार्ट नहीं है, वो सिर्फ मशीन के सहारे जी रहा है, वो इस तरह से हमेशा नहीं जी सकता। ललित कहती है फिर उसके लिए दूसरा हार्ट लेकर आओ। लैरी कहता है इस तरह से इजीली हार्ट नहीं मिलता, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ललित कहती है मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। फिर वो एक जगह पर बैठी थी, उसके हाथों में जो भी गोलियां थीं ये सारी गोलियां उसने ले ली, उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं क्ले के सबकॉन्शियस में ललित भी उसके पास आ चुकी है, वो दोनों एक दूसरे से बात करते थे। ललित ने सुसाइड करने से पहले जोनाथन को कॉल कर दिया था, तो उसकी सारी टीम यहाँ पर पहुँच जाती है ललित अपना हार्ट क्ले को दे सके, इसी वजह से उसने ये सब किया। इसके बाद हम देखते हैं जल्दी से जोनाथन हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो जाता है। जोनाथन यहाँ पर पहुँचने के बाद सब कुछ समझ चुका था कि जैक ने आखिर क्या किया। जैक के साथ जो भी डॉक्टर थे ये जल्दी से डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। फिर से हमें क्ले का सबकॉन्शियस दिखाया जाता है। क्ले अपनी मदर से पूछता है आप यहाँ कैसे, आपको सब कुछ पता था। मदर कहती है पहले तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन सैम ने जब बेंडिंग मशीन से कुछ निकालने में मेरी हेल्प की तब मुझे पता चला वो यहाँ पर काम करती थी। मैंने उसकी बैग चेक की तब मुझे उसके मेल्स मिले, उससे ये चीज़ें कन्फर्म हो गई। जब मुझे तुम्हारी डेथ के बारे में पता चला तब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी, वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। हम देखते हैं सारे डॉक्टर्स भाग रहे थे लेकिन लैरी ने पुलिस को बुला लिया। ललित का हार्ट निकाल कर क्ले का ट्रांसप्लांट किया जा रहा था। जैक सैम को लेकर अपने ऑफिस में आ जाता है, वो कहता है हम जल्दी से यहाँ से भाग सकते हैं। सैम ने कहा मुझे यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी भी क्ले की वाइफ हूँ, हमने क्या किया है ये किसी को भी मालूम नहीं है। वो जैक को लॉक करके जा रही थी तब जैक कहता है जो सिरिंज तुमने क्ले को दी थी उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं, तुम भी बच नहीं सकती। सैम को पछतावा होने लग जाता है, वो जैक के साथ जाना चाहती थी लेकिन जैक अब यहाँ से नहीं जाना चाहता, उसे पता है उसने बहुत गलत किया है जिसकी सज़ा वो भुगतने वाला है। सैम को पुलिस पकड़ लेती है। हम फिर सैम का सबकॉन्शियस देखते हैं। क्ले अपनी मदर से कहता है अगर मैं अब जिंदा भी रहा तो मेरे लिए उस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो अब मरना चाहता था। ऑपरेशन के टाइम क्ले का ये एटीट्यूड अच्छा नहीं था, अगर पेशेंट को ही जिंदा रहने की इच्छा ना हो तो ऑपरेशन फेल हो सकता है, पेशेंट का रिस्पांस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मदर ने क्ले से कहा तुम बहुत स्ट्रांग हो, अकेले ही सब कुछ कर सकते हो। क्ले ने कहा मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अपने फादर की तरह सक्सेसफुल मैं कभी नहीं बन पाया। मदर कहती है तुम्हारे फादर सिर्फ बिजनेस में ही सक्सेसफुल थे, एज अ पर्सन वो इतने अच्छे नहीं थे। जिस दिन उनकी डेथ हुई उस रात उनका बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था और उसके फादर ने मदर को भी मारा था, गुस्से में वो क्ले को भी मारने वाले थे। तभी मदर ने एक रॉड लेकर उन्हें मार दिया, वो ऊपर के फ्लोर पर थे और वहाँ से नीचे गिर गए, तो सबको लगा था ये सिर्फ एक्सीडेंट है। क्ले उस वक्त बहुत ही छोटा था, उसने ये सब कुछ देखा था लेकिन अब इस बात को भूल चुका था। मदर कहती है मैं तुम्हारे फादर के बारे में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही बताती थी, तुम तुम्हारे फादर से बहुत ही बेटर हो, तुम्हें अब जिंदगी के लिए लड़ना है। क्ले भी अपनी मदर की बात मान लेता है और वो भी अब जीना चाहता था। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और वो होश में आ गया। जैक जो हमें स्टोरी बता रहा था वो कहता है हम सब लोगों ने बहुत गलत किया, हमें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। क्ले जिंदा हो जाता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।